तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके सामने दोस्तों लेके आ गया हूँ ओप्पो एनको एम 32। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट लेके आ गया हूँ दोस्तों। ये एक ओप्पो की तरफ से होने वाला है नेक बैंड दोस्तों। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और इस नेक बैंड की मैं फटाफट से आपके सामने अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आ गया हूँ दोस्तों। ये ओप्पो ने काफी बेहतरीन नेक बैंड निकाली है दोस्तों। ओप्पो अभी फिलहाल में ही काफी ऐसे अट्रैक्टिव ही प्रोडक्ट एसेसरीज निकाल रहा है दोस्तों, जिसमें काफी अच्छे आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर रहा हूं, नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग लेके आ रहा हूं दोस्तों। तो आपका भी एक एफर्ट बनता है दोस्तों, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे हाथ में आता है दोस्तों, ओप्पो एनको एम 32 नेक बैंड होने वाला है दोस्तों। मैं अगर इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं दोस्तों, तो इसमें आपको ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे देखने को मिलता है दोस्तों। काफी अट्रैक्टिव पैकेजिंग मेरे को लगती है ओप्पो की हर प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्तों, अभी अगर मैं इसको ऐसे ही रिमूव करता हूं, नेक्स्ट में अगर इसमें आपको बताता हूं दोस्तों, तो इसमें एक छोटी सी बॉक्स देखने को मिलता है दोस्तों। और इसमें आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलते हैं, साथ में ही ये हमें कुछ ईयर टिप्स देखने को मिलती है दोस्तों। और ये हमें चार्जिंग केबल मिलती है दोस्तों, जो यूएसबी से टाइप सी चार्जिंग केबल होने वाली है दोस्तों। और इसमें हमें और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अभी मेन आते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर दोस्तों। मैं इसको फटाफट से रिमूव करता हूं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है ओप्पो एनको एम 32। ये एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट होने वाला है ओप्पो की तरफ से। ये मेरे पास जो आता है दोस्तों, ये ग्रीन कलर में देखने को मिलता है मेरे को। और इस प्रोडक्ट की मेरे को खास बात ये लगी है दोस्तों कि ये काफी अच्छा सॉफ्ट से डिजाइन के साथ में आता है। मैं इस प्रोडक्ट की दोस्तों आपको रिव्यू की बात करता हूं, ये प्रोडक्ट हमें कैसी फिनिशिंग में देखने को मिलता है। तो यहां पे आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलती है दोस्तों। और साथ में ही अगर मैं इन ईयर टिप्स की बात करता हूं, तो ये काफी एक प्रीमियम सी सॉफ्ट सी कंफर्टेबल फील होती है दोस्तों। अगर हम इसको हमारे कान में लगा के अगर यूज करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं आता है। ये काफी कंफर्टेबल सा फील होता है दोस्तों। तो इसी बात पे हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ईयरबड्स में दोस्तों ये कभी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो ये एक्स्ट्रा ईयर टिप्स में ये स्पोर्ट दिया हुआ होता है, बट क्योंकि ये कंफर्टेबल फील नहीं होता। बट इस प्रोडक्ट में दोस्तों ये एक ऐसा, अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, ये कंफर्टेबल प्रोडक्ट के साथ में बनाया गया है। ये काफी अच्छा कंफर्टेबल इजी तरीके से होने वाला है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं इसमें नॉइस कैंसलेशन की, तो इसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से और साथ में ये जो कान में इजी तरीके से बिल्कुल फिट हो जाता है, उसकी वजह से इसमें काफी हद तक नॉइस कैंसलेशन भी होती है दोस्तों। और इस प्रोडक्ट में मैं अगर बात करता हूं दोस्तों बैटरी बैकअप की, तो इसमें काफी अच्छी बेहतरीन बैटरी बैकअप होने वाली है दोस्तों, जो 28-28 घंटे की बैटरी बैकअप मिलने वाली है दोस्तों। जो ओप्पो का एम 31 नेक बैंड था, उसमें आपको लगभग देखने को मिलता था 10 से 12 घंटे की बैटरी बैकअप। इसमें दोस्तों 10mm का ड्राइवर दिया गया है, जो काफी अच्छे परफॉर्म करके दिखाता है इस बजट के हिसाब से। अगर मैं इसके बजट की बात करता हूं, तो दोस्तों इस प्रोडक्ट की जो प्राइस रेंज है वो 1500 रुपए आपको देखने को मिलती है। और अंडर जो 1500 रुपए है, उसमें काफी कंपटीशन भी आपको देखने को मिलता है। काफी बोट के हो गए, रियलमी के हो गए, ऐसे काफी नेकबैंड आपको देखने को मिलते हैं। बट इनमें ये ओप्पो का जो नेकबैंड है वो काफी बेहतरीन मेरे सामने निकल के आया है दोस्तों। इसमें आपको जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो एक मैग्नेटिक सिस्टम भी देखने को मिलता है। अगर आप यूज कर रहे हैं और अचानक आपको किसी से बात करनी पड़ती है, तो आपको इसको रिमूव करके और छोड़ सकते हैं। इससे आपकी बैटरी की भी काफी ज्यादा बचत होती है और साथ में ही इजी डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं। और यहां से मैग्नेट से हटा के आप डायरेक्ट अगर कानों में लगाते हो, तो ये इजी तरीके से अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट भी हो जाते हैं दोस्तों। जो नेक बैंड में IPX5 की रेटिंग भी दी गई है, जो स्वेट प्रूफ भी होने वाला है दोस्तों। इस नेक बैंड में दोस्तों आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के भी बटन्स देखने को मिलते हैं। साथ में ही आपको अगर कॉल आती है, तो वो रिसीव और डिस्कनेक्ट करने के लिए भी आपको इसमें देखना मिलता है दोस्तों। अगर मैं इसके साउंड की बात करता हूं, तो दोस्तों काफी बेहतरीन इसका साउंड मेरे को लगा है,
क्योंकि इसका जो बेस निकल के आता है दोस्तों वो काफी एक ऐसे अलग ही दुनिया में लेके जाता है। इसका साउंड मेरे को जैसा फील हुआ है दोस्तों मैं वैसा आपको बता रहा हूं, और आप एक चीज करके भी मेरे को अलग ही दुनिया में लेके जा सकते हैं दोस्तों, वो है हमारा ये सब्सक्राइब बटन, इसको क्लिक करके आप मेरे जैसे को सपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो अगर ओप्पो क्लेम करते हैं तो 10 मिनट चार्ज करके आप लगभग 20 घंटे तक इसको यूज कर सकते हैं, वो भी काफी बेहतरीन मेरे को लगा है दोस्तों। बाकी मोस्टली हर नेकबैंड में ही हमें लगभग सारे फीचर्स सेम देखने को मिलते हैं, बट इसमें जो प्रीमियम डिजाइन मेरे को लगा है और साथ में इसके जो फीचर्स है, इसके जो साउंड है, नेकबैंड हमें यूज होती है साउंड को लेके काफी अच्छी है। एक्सरसाइज भी मैंने इस नेकबैंड से करके देखी थी और ऐसा कोई भी मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं हुई है इस नेकबैंड से, क्योंकि अगर एक बार मैं कान में सेट कर देता हूं तो दोस्तों ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप इसको जरूर प्रेफर कर सकते हो दोस्तों। बाकी अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।